वेलकम टू HH Desire। HH Desire में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिंदर कुमार आप सभी के लिए कुछ जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं एक एक नोटिफिकेशन की ओर। तो पहला है दोस्तों जोडस एक्सपोम प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इसमें ये वॉक इन इंटरव्यू है जो 8 अक्टूबर 2022 को 9:30 AM टू 2 PM होने वाला है। दोस्तों, डिपार्टमेंट जो है एनालिटिकल R&D है, फार्मुलेशंस। पोजीशन क्या है? ट्रेनी। क्वालिफिकेशन दोस्तों आप सभी को इसके लिए है बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, MSc केमिस्ट्री एनालिटिकल से होना चाहिए। फ्रेशर के लिए है ये। और QA IP QA एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, बी फार्मा एम फार्मा क्वालिफिकेशन होना चाहिए या MSc होना चाहिए केमिस्ट्री से। तीन से छः साल का एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए। QC केमिकल ट्रेनिंग के पोस्ट है, बी फार्मा MSc केमिस्ट्री होना चाहिए और या एनालिटिकल से ऑर्गेनिक भी चलेगा और फ्रेशर होना चाहिए दोस्तों। QC इंस्ट्रूमेंटेशन असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जो BTEC या डिप्लोमा बी फार्मेसी होना चाहिए। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों साथ में। और QC माइक्रोबायोलॉजी सीनियर एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव MSc BSc माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए क्वालिफिकेशन, और 0 से 8 साल का एक्सपीरियंस चलेगा दोस्तों। दोस्तों, अपने साथ में ऑल रिलेटिव डॉक्यूमेंट का कॉपी, आधार कार्ड एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वॉक इंटरव्यू आप एड्रेस पे ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं अपना रिज्यूम recruitment3@jodasexpoem.in पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट दूसरा है recruitment5@jodasexpoem.in पे दोस्तों। वर्क या इंटरव्यू लोकेशन जो है जोडस एक्सपोम प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 55, बायोटेक पार्क, फेज 3। दोस्तों, ये तेलंगाना में है दोस्तों। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला नोटिफिकेशन है SRF लिमिटेड दहेज में वॉक इन इंटरव्यू है, जो पोजीशन निकले जूनियर इंजीनियर का पोजीशन है, टेक्नीशियन है पॉलीमर प्लांट के लिए, बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस दोनों के लिए। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या MSc BSc ITI AOCP होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों 4 से 8 साल का होना चाहिए पॉलीमर या केमिकल प्लांट का। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 2 ईयर DCS एक्सपोजर इज मस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए होना चाहिए। नॉलेज की बात करें, डिस्टिलेशन कॉलम हैंडलिंग, पावर हैंडलिंग, आप तो सब जानते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन देख रहे हैं। जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हैं, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल ITI होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 4 से 8 साल का होना चाहिए केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। दोस्तों, एक्सपीरियंस जो भी हो DCS PLC सिस्टम से होना चाहिए, जो भी है कंट्रोल वाल, मास फ्लो रेट वाल, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, वेट सिस्टम। और जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर ITI MMCP ITI फीटर। एक्सपीरियंस 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस इन केमिकल प्लांट से होना चाहिए दोस्तों, मस्ट। और कंट्रैक्ट बेस का जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा बिलो 30 ईयर। इंटरव्यू का डेट जो है दोस्तों 7 अक्टूबर, टाइम 9 AM टू 3 PM। वेन्यू होटल शालीमार, स्टेशन रोड भरूच। इंटरेस्टेड कैन वर्क फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो सेंड रिज्यूम, आप सेंड कर सकते हैं मेंशन जॉब टाइटल टू email ID HR recruitment@srf.com पे आप शेयर कर सकते हैं। वो आपके पास एक फेस मास्क जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर होना ज़रूरी है आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों।
फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस नॉर्मल COVID-19 के। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट है DCM श्री राम कंपनी में निकली हुई है, जो भी फार्मुलेशन एक्सपोर्ट के लिए है। क्वालिफिकेशन जो दोस्तों BSc MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, PhD प्रीफर्ड होना है। वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों 8 से 10 साल। लोकेशन जो है वडोदरा गुजरात में है। अप्लीकेशन इंजीनियर के लिए हैं, BSc MSc केमिस्ट्री या BE केमिकल से होना चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वडोदरा में। तो दोस्तों ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों साथ में एक और इंटरव्यू निकली हुई है SRF में ही, SRF में दो है। 8 अक्टूबर 2022 को 9 AM to 4 PM SRF लिमिटेड हेडक्वार्टर ब्लॉक C सिटी गुड़गांव इंडिया सेक्टर 45। दोस्तों इसके लिए पोजीशन जो है रिसर्च एसोसिएट सीनियर रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च साइंटिस्ट के लिए है एग्रो सिंथेटिस। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन PhD या MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 से 6 साल का इन एग्रो इंडस्ट्री। जॉब लोकेशन भिवाड़ी और राजस्थान। कैंडिडेट शुड बी ओपन टू रिलोकेट टू भिवाड़ी। स्किल जो भी है दोस्तों ये है इंश्योर द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस डेवलपमेंट सब ऑर्गेनिक सिंथेसिस लिटरेचर सर्च ये आप देख लें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन आल्सो सेंड। दोस्तों टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ मैं, बस इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन आल्सो सेंड देयर रिज्यूम। आप रिज्यूम को शेयर कर सकते हैं geetika.sethia@srf.com या srishti.sharma@srf.com पे आप अपना रिज्यूम को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में, जो IIT कैंपस पोआई मुंबई में है। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1 ईयर के लिए हैं। दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ग्रेजुएट के लिए 16 है और डिप्लोमा के लिए 8 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT के लिए 2 है और डिप्लोमा नील। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 ग्रेजुएट वालों के लिए और डिप्लोमा के लिए नील है। टोटल दोस्तों 20 है और डिप्लोमा के लिए 8 है। दोस्तों ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए क्वालिफिकेशन जो है BE या BTEC होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क। डिप्लोमा 3 और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 55% मार्क के साथ होना चाहिए। और बोर्ड में एलिजिबल होना चाहिए दोस्तों इसके लिए। दोस्तों इस जो ग्रेजुएट के लिए हैं 10,500 पर मंथ देगा और दिया जाएगा और डिप्लोमा के लिए 8,500 पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम 25 ईयर है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 11 अक्टूबर 2022 को 9 AM to होगा दोस्तों। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 अक्टूबर को होना वाला 9:30 AM और प्लस समीर IIT कैंपस हिल साइड पोआई मुंबई। आप वेबसाइट www.samir.gov.in। दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है ड्यूरी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क लिस्ट और क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क फॉर ऑल ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी बर्थ और डेट प्रूफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वहाँ पे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर।